किसी महापुरुष के आगे, स्वामी जी महाराज ने संत के आगे, गुरु महाराज के आगे वर्णन करना कहा है, पश्चातापूर्वक वर्णन। मेरे से महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई है, यदि आंखों में आंसू लेके आप किसी संत से अपनी गलती का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, स्वामी जी महाराज के अनुसार वह पाप आपका धुल जाता है। अन्य संत महात्मा इस बात को मानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये दो प्रसंग आलोचना एवं प्रायश्चित कथा प्रकाश के अंतर्गत लिखे हैं। मानो हम जैसे व्यक्तियों के लिए जिनका धर्म है पाप करना, जिन्होंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, उनके लिए कितना आसान मार्ग स्वामी जी महाराज ने सुझा दिया है। आलोचना कीजिएगा, पश्चातापूर्वक गुरु महाराज से वर्णन कीजिएगा, ये शूरवीरों का काम है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते आप, परमात्मा के सामने तो आप करने को तैयार हो, क्यों? मैं सामने नहीं है, मैं दिखाई नहीं देता, उसके सामने तो रोते हो, उसके सामने तो बिलखते हो, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं यदि कोई साधक, यदि कोई पाप करने वाला व्यक्ति अपने गुरु के सामने या संत के सामने अपने श्रीमुख से बखान करता है तो वह अधिक शूरवीर है, वह बहुत बड़ा इंसान है, वह एक ना एक दिन बहुत बड़ा बन के रहेगा। परमात्मा पापों को धोने वाला, पापों को नष्ट करने वाला यहां संत को, गुरु को श्रेय दे रहा है। आज साधकों, कल साधकों से वायदा किया था कि सदाचार की चर्चा और आलोचना की चर्चा का एक प्रसंग आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। दिनेश नाम का एक व्यक्ति है, किसी लाला के पास काम करता है, वो छोटा कर्मचारी, ऐसा जैसा आप सोच नहीं सकते पहले वक्तों में होता था, कोई छोटा कर्मचारी लाला लोगों ने, दुकानदारों ने रखा होता था, लाला अपने हाथों से ताले इत्यादि नहीं लगाते थे, वो लगाते थे और फिर चाबियां लाला के हाथों में सौंपी जाती थी। ये छोटे दुकानदारों का भी, बड़े दुकानदारों का भी लगभग इस प्रकार का नियम होता था, कोई सामान इत्यादि लाला के पास होता था तो वह उठा के घर तक छोड़ देता था, फिर अपने घर जाता था, ऐसा ही कर्मचारी गणेश है। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, घर में पत्नी है, डॉक्टर साहब ने कही है कि इसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की मरीज है, एक पुत्री भी है, वह भी स्वस्थ तो नहीं है, घर में बहुत कचराई है, तनख्वाह बहुत कम है। जब भी डॉक्टर के पास जाता है अपनी पत्नी को लेके, डॉक्टर यही कहता है ट्रीटमेंट लंबा है, कीमती है, कम से कम उस वक्त की बात, कम से कम 100 रुपया लगेगा, अन्यथा तेरी पत्नी मर जाएगी। गणेश बेचारा ये सुन के बहुत दुखी होता है, मैं कहाँ से 100 रुपया लाऊं, कैसे 100 रुपया इकट्ठा करूं, जितनी मुझे सैलरी मिलती है उससे मुश्किल से घर का गुजारा, 2 वक्त की रोटी चलती है, कैसे बचाऊं पैसे, कहाँ से पैसे बचाऊं ताकि अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। आज रात को दुकान पर ताले लगा रहा है, लाला ने कहा गणेश कल सुबह दुकान पर बेशक लेट आ जाना, पर ये 100 रुपया ले, मनी ऑर्डर करवा के तो आना, ये एड्रेस है, जिनको मनी ऑर्डर करवाना है डाकखाना पोस्ट ऑफिस जाके तो ये मनी ऑर्डर करवा के तो दुकान पर आना, मानो 9 बजे यदि पोस्ट ऑफिस खुलता है तो खुलते ही मनी ऑर्डर करवा के तो उसके बाद दुकान पर आना। अच्छा लाला जी, जो आ गया 100 रुपया ले लिया,
दुकान से लेके अपने घर तक पहुंचते पहुंचते गणेश का मन बेईमान हो गया है। एक ओर पत्नी है, एक ओर मोह, दूसरी ओर कर्तव्य है। मन में सोचा, परमेश्वर की कृपा से ये 100 रुपया मिला है, ये मात्र संयोग नहीं है, 100 का ही क्यों मनी ऑर्डर? परमात्मा को पता है कि मुझे पत्नी के इलाज के लिए 100 रुपया चाहिए, नौकरी और कर लूंगा, कल सुबह दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी जाऊंगा, मनी ऑर्डर ना करवा के जाऊंगा तो लाला निकाल देगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। इस उधेड़ बुन में घर पहुंचते पहुंचते उदासी भी है, लाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, उसके साथ इस प्रकार का द्रोह ये मुझे शोभा नहीं देता। एक ओर ये बात भी चल रही है, दूसरी ओर वो बात भी चल रही है, द्वंद है मन में। उसी द्वंद में घर पहुंचा है, जाके पत्नी को कहा ये 100 रुपया रख, कल से इलाज शुरू करेंगे। पत्नी समझदार है, यूं कहेगा ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्तनी है। चेहरे पर उदासी देखी तो भाप गई कि कुछ बात, कुछ दाल में काला है। पूछा, क्या बात है, इतने सारे रुपये कहाँ से आ गए? उदासी नहीं पूछी कि उदास हो क्या कारण है, ये पूछा इतने सारे रुपये अकस्मात कहाँ से आ गए? मानो जिंदगी में इतने पैसे 100 रुपये इकट्ठे कभी उन्होंने देखे नहीं। सारी बातचीत सुनाई। पत्नी ने कहा, पतिदेव ये क्या कर दिया आपने, क्या भरोसा है कि इलाज के बाद मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, क्या भरोसा है कि मेरा इलाज सफल हो जाएगा और मैं जीवित रहूंगी, मर भी सकती हूं। इलाज के लिए 100 रुपया तो आप खर्च कर दोगे, लेकिन जिंदगी भर माथे पर बेईमान का कलंक लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा कि बेईमान गणेश, और मैं उस बेईमान की पत्नी, यदि मर जाऊंगी तो ये कलंक साथ ही मेरे जाएगा, ये ठप्पा, ये मोहर साथ ही मेरे जाएगी, गणेश नामक बेईमान की पत्नी मर गई। सदाचार की बात चल रही है ना, सदाचार क्या होता है, सत्य का आचरण, सत्य अर्थात परमात्मा। सत्य कौन है? परमात्मा। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। जो आचरण राम के लिए हो उसकी सेवा अहोभाग्य बहुत पुण्य, जो काम उससे जुड़ जाए वह काम सदाचार, वह आचरण सदाचार। जो आचरण, जो आपका किया हुआ कर्म परमात्मा के अनुकूल वह सदाचार। साधारण सी परिभाषाएं, किताबों में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी हैं, लेकिन जो अपनी समझ में आ सके आसानी से वैसे। क्या ये सत्य नहीं? सदाचारी जीवन अर्थात भक्ति का क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक रूप, जिस कर्म के साथ भक्ति जुड़ जाएगी उसमें दिव्यता आ जाएगी, वह कर्म सदाचार बन जाएगा, सदाचारी का कर्म बन जाएगा। मेरे प्राणों से क्या ईमानदारी कीमती नहीं, पत्नी पूछती है, मेरे प्राणों का क्या भरोसा, जाओ अभी जाओ, जाके लाला को सारी बातचीत सुना के पश्चाताप पूर्वक जाके
रुक के उनको पैसे दीजिए, दंड के लिए प्रार्थना कीजिए, क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिएगा और अपने पाप को धो डालिएगा। बात में बल था जज कहीं, अभी खाना नहीं खाया, उन्हीं पांव वापस गया है लाला के पास, जाके सारी बातचीत सुनाई है, 100 रुपया उनके श्री चरणों में रख दिया है। लाला ने देखा, गर्व महसूस किया, मेरा गणेश इस दुकान पर काम करने वाला नौकर इतना ईमानदार, इतना पाप भीरू, पाप से इतना लड़ने वाला, परमेश्वर में इतना विश्वासी। कहा, गणेश पैसे अपने पास रखो, अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, कंपनी तो और ले लेना, आज से तेरी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। कौन कहता है बेईमानी ही आज कल उसी का बोलबाला है, ईमानदार भूखा मरता है, भूखा भी शक मरे, भूखा इन अर्थात बेशक खाने को दाल रोटी मिले लेकिन परमेश्वर के दरबार में उसका स्थान अद्वितीय स्थान है। जो शांति ईमानदारी में है वह बेईमानी में नहीं है। हर बेईमान को रात को सोने के लिए गोली खानी पड़ती है या शराब पीनी पड़ती है, ईमानदार चैन की नींद सोता है। तेरा पाप धुल गया, लाला कहते हैं तेरा पाप धुल गया, तू पापी नहीं है, यू आर नो मोर ए सिनर। अतएव देवियों सज्जनों, परमेश्वर से सोने से पहले जरूर प्रार्थना करके सोया करो, परमात्मा गलती का बोध हो, हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गई है, गलतियां तो करते ही जा रहे हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कि गलतियां हो रही हैं, इतने हम स्वभाव इस प्रकार का हमारा हो गया है, गलतियां होती जा रही हैं लेकिन पता नहीं लगता कि गलतियां हो रही हैं। आज एक भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, गलती का बोध करवाना, हे परमात्मा, हे मेरे राम, दिन भर जो गलतियां हुई हैं उनका बोध करवाना। उनका बोध हो गया तो उन्हें स्वीकार करने का बल देना, बहुत बल चाहिए, मेरे से गलती हो गई है, ये गलती हुई, ये पाप हुआ है मेरे से, इस गलती को, इस पाप को स्वीकार करने का बल देना, क्षमा मांगनी, दंड मांगनी की मति देना, पश्चाताप करने की, प्रायश्चित करने की परमात्मा प्रेरणा देना, ताकि ये पाप सदा के लिए उन्मूल हो जाए। कैसी सुंदर भक्त की चाह है, कैसी सुंदर भक्त की प्रार्थना है परमात्मा के आगे। आप सोचते हो ऐसा भक्त रात को सोते वक्त आंखों में आंसू लिए यदि परमात्मा से ये विनय करता है, ये प्रार्थना करता है, तो परमात्मा उसका पाप नष्ट ना करे, ये कभी हो नहीं सकता। इस विश्वास से प्रार्थना करो, आई फॉरगेट अबाउट दैट सिन, फिर कभी उस पाप को याद नहीं करना जिस पाप के लिए आपने परमात्मा से क्षमा मांग ली, प्रायश्चित कर लिया, दंड भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसको याद नहीं करना, वह अविश्वास का चिन्ह होगा। मानो आपको परमात्मा की क्षमा में अविश्वास है कि उसकी क्षमा क्या गुल खिला सकती है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।